हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जैसा कि आपको पता है कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ और आज मम्मी थोड़ा सा पूजन पाठ करवाएँगी अपने घर में क्योंकि उनका घर जो है आधा बन गया है और उसी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा करवाएंगे वो कुछ क्या क्या बनाया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और आज हम लोग बहुत अच्छी जगह में आपको ले कर चलूँगी आप दर्शन कीजिएगा वहाँ के बहुत शांति मिलती है मन को वहाँ के दर्शन करने के बाद में और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उसमें आपको सब कुछ दिखाऊँगी तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो के एंड तक और आपको एक बहुत अच्छी जगह के दर्शन में करवाऊँगी जहाँ पर बहुत पुरानी मूर्ति है और वहाँ पर जाने के बाद में मन को बहुत शांति मिलती है तो मैं मम्मी के घर जब भी आती हूँ तो वहाँ जाती हूँ तो आज हम लोग वहीं पर जाकर खाना बना कराएँगे बच्चों को खिलाएंगे और हम लोग भी वहीं पर खाएंगे और इसलिए हम लोग वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक तो सामान हमने सारा रख लिया है और चलते हैं अब क्योंकि इस तरीके से घूमना मुझे बहुत पसंद है और मम्मी के इधर आने के बाद तो फिर एंजॉय ही अलग होता है तो चलिए चलते हैं हम लोग देखिए मंदिर आ गए हैं और ये देखिए मंदिर है मैं आपको आगे से दिखाती हूँ सारा कुछ और हर बच्चे देखिए झाड़ू लगाने लगे हैं और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ पूरा कि किस तरीके से दिख रहा है यहाँ से देखिए इसकी एंट्री है और अब गवर्नमेंट ने इसको यहाँ के जो भी थे कार्यकर्ता उन लोगों ने बहुत अच्छा इसको बनवा दिया है और अब तो इतना अच्छा लगता है बहुत अच्छा पहले सिर्फ ये इमली के पेड़ के नीचे ये चबूतरे वगैरह ही बने हुए थे भगवान के लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बहुत बार यहाँ पर आते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर आती हूँ क्योंकि बचपन से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं बच्चों को लेकर भी आती हूँ यहाँ पर और देखिए मेरी बेटी कैसे घूम रही है धूप में धूप ज़रूर है लेकिन ठंडा है मौसम क्योंकि बारिश का मौसम है तो देखिए इधर सामान वगैरह रखा हुआ है मम्मी देख रही हैं सामान को और बच्चे भी इधर खेल रहे हैं तो ये है सबसे पुराना मंदिर ये जो चबूतरा था पहले ये चबूतरा ही बना हुआ था और भगवान वहाँ पर विराजमान थे लेकिन अब जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से बाउंड्री वगैरह कर दी गई है गेट वगैरह लगा दिया गया है इसके बाद में वहाँ पर अलग अलग भगवान की स्थापना है मतलब अलग अलग जगह पर सभी भगवान जो है वहाँ पर हैं तो ये देखिए कुछ ये हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे उनको स्थापित किया गया है पहले भी थे बट अब नए तरीके से इस तरीके से इनको बना दिया गया है और देखिए कितनी शांति है यहाँ पर और देखिए बाउंड्री वगैरह कर दी गई है और बहुत ही अच्छा लगता है लोग कभी कभी आते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर भंडारे वगैरह होते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ता है तो यहाँ पर मम्मी भी भंडारा करने के लिए आई हैं और अपना खाना वगैरह हम लोग इधर ही बनाएंगे तो मैंने बोला कि आपको भी मंदिर दिखा देते हैं क्योंकि इस टाइम में कहीं किसी का घूमना हो नहीं पा रहा है और हम लोग भी यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की आने जाने की और मन को इतनी शांति मिलती है ना यहाँ पर आ कर के कि मैं आपको क्या बताऊँ और जो पेड़ हैं आसपास की जगह है और मतलब देखिए बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं वो सीधाफल जो लगा है आ, क्या बोलते हैं उनको बच्चे तोड़ रहे हैं मम्मी मना भी कर रही थी कि उनको नहीं तोड़ना है फिर भी बच्चे काम आनते हैं कभी कभी देखते हैं तो और देखिए उनको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इस पेड़ में देखिए और मम्मी मना कर रही है कि मत तोड़िए तोड़ते नहीं हैं भगवान के पास का है फिर भी बच्चे लगे हुए हैं इनमें ही देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर और नीचे जो है भगवान है यहाँ पर और अब मैं आपको आराम से दिखाती हूँ देखिए और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सब कुछ बना दिया गया बहुत है बहुत साफ सफ़ाई है यहाँ पर जो भी लोग आते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए वही लोग झाड़ू वगैरह लगा देते हैं साफ सफ़ाई कर देते हैं यहाँ पर और वैसे भी भगवान वाली जगह में तो चाहे पत्ते हो या कुछ भी हो कुछ भी हो बहुत ही अच्छा लगता है मन को शांति मिलती है तो ये जो पेड़ है ना हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब इसमें इमली वगैरह लगती थी तो मम्मी से छुप करके हम लोग यहाँ पर आते थे इमली खाने के लिए क्योंकि मम्मी जो है ना कभी आने नहीं देती थी ये हमारे घर से थोड़ी दूर है ये जो मंदिर है तो जब भी मम्मी वगैरह आती थी इधर तो मम्मी वगैरह दूर बैठ जाती थी कहीं और हम लोग इस पेड़ की इमली वगैरह खाते थे और बचपन में इतना ज़्यादा ये नहीं था अभी बना है ये पुराने में तो ऐसे खुला था पूरा सारी जगह खुली थी तो हम लोग आते थे ना तो बहुत बहुत देर तक खेलते थे यहाँ पर और ये देखिए बच्चे खुली जगह पेड़ देखिए कितना भारी और कितना घना है और बहुत पुराना पेड़ है ये पता नहीं मैंने जितनी उम्र मेरे को याद है उतना तो ऐसा ही मैंने देखा है इस पेड़ को और बहुत ही अच्छा है देखिए कुछ पता नहीं क्या क्या लगा है उसके ऊपर और इसी तरीके से देखिए चारों तरफ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और भगवान की ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जो कुछ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है या फिर हम लोग जब भी मम्मी कुछ करवाती हैं या फिर जब भी घर में कुछ होने वाला होता है तो मम्मी यहाँ पर जब ज़रूर अपना बोल देती हैं कुछ भी तो हम लोग आते हैं और नॉर्मली भी हम लोग यहाँ पर बहुत बार आते हैं कभी कभी घर से खाना बना के ले आते हैं इधर पर और आस में जो छोटी छुट छोटी बच्चियाँ हैं उनको बुला करके खाना खिलाते हैं और कभी कभी यहीं पर बना लेते हैं और आज तो हम लोग यहीं पे अपना सारा खाना बनाएंगे और ये जो है मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही थी और मैं मम्मी को काम करवा रही थी देखिए कितने अच्छे से उसने रिकॉर्ड किया है सारा कुछ और ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है और इतनी इमलियाँ इसमें लगी हुई हैं कि बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों को तो पिकनिक हो गया है बच्चों का तो अच्छे से और मेरे बेटे को नानी के घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जितना इन्जॉय वो नानी के घर कर पाता है ना उतना कहीं और नहीं और ये देखिए मेरी ड्यूटी क्या लगी हुई है और मुझे इस तरीके से खाना बनाना बहुत पसंद है मैं हर चीज़ को इंजॉय करना चाहती हूँ देखिए चूल्हे पे मैं खाना बना रही हूँ जबकि कभी मैंने चूल्हे पे खाना नहीं बनाया है फिर भी मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से इंजॉय करना ना बहुत अच्छा लगता है और देखिए कितने हलवाई लोग हमारे लगे हुए हैं और वो ग्रीन टी शर्ट वाला जो ब्लू टी शर्ट वाला है वो मेरी बड़ी वाली दीदी है उनका लड़का है इसके बाद मेरा बेटा और फिर वो जो रेड कलर की टी शर्ट में है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिगर इशू का मेरे बेटे का तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ बैठ कर के निकाल रही हूँ तो मम्मी की हेल्प करने में क्या जाता है और इतनी अच्छी जगह जब हम लोग गए हैं तो हमें करना ही चाहिए कुछ कुछ देखिए बच्चे भी आसपास की लड़कियों को छोटी चुछ छोटी जो गर्ल्स थी कन्या लोग उन लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर मम्मी बोल के भी आ गई थी एक बार सबको जितने भी आसपास में घर हैं कि अपनी अपनी बेटियों को भेज दें खाना खिलाने के लिए तो जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ बच्चे लोग आने लगे तब से ही तो अभी और भी लोग आना बाकी हैं बट हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि हम लोगों को खाना भी बनाना था ना बहुत सारा खाना बनना था तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ी जल्दी चलते हैं ताकि अपना काम खत्म हो जाए फिर किसी को बुलाते हैं तो उसके पास भी बैठना पड़ता है और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा खाना और भी बनाया था तो ये देखिए ये चावल बनाया है मीठा वाला जो जर्दा वाला मीठा चावल बनता है वो और ये मम्मी ने बनाया है देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है और ये भगोने में रखी है दाल की सब्जी और दाल पूड़ी और ये प्रसाद और ऐसे करके हम लोगों ने खाना बनाया है और देखिए कितना सारा बहुत सारा खाना बना था उस दिन तो ये देखिए हम लोगों ने खाना बनाया है इतना और ये देखिए कितना टेस्टी बनाया है मम्मी ने चावल मम्मी बहुत अच्छा चावल बनाती है इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं बता पाई क्या करूँ इतना ज़्यादा वो था कि मतलब देखिए दाल भी बहुत अच्छी बनी है इधर मम्मी ने प्रसाद अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चढ़वा दिया है किसी के यहाँ पे कुछ चढ़ता है किसी के यहाँ पे कुछ और देखिए इधर मैंने पूड़ियाँ निकाल ली हैं इतनी निकल गई हैं और बहुत देर तक कम से कम दो तीन घंटे तक मैंने पूड़ियाँ निकाली हैं और इतना काम हो जाता है कि हेल्प करना तो बनता ही है अपने लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे देखिए मम्मी और दीदी ताई वगैरह आ गई हैं और दीदी जो है और आटा लगा रही हैं क्योंकि कम हो गया था आटा तो ये देखिए बच्चे खाना स्टार्ट हो गया हमने बोला सबसे पहले बच्चों को खिला देते हैं देखिए मेरी बिटिया जिगर और दीदी के बच्चे वगैरह खाना खा रहे हैं तो देखिए कैसे हाय कर रहे हैं मेरी सिस्टर ने बोला हाय करो तो सब लोग हाय करने लगे देखिए तो ये देखिए अलग अलग अपनी अपनी पार्टी में बैठ के खाना खाया जा रहा है जो जिसका दोस्त है वहीं पर बैठ कर के तो देखिए मेरा बेटा और दीदी का बेटा खाना खा रहा है ये जो आसपास के बच्चे थे छोट छोटे छोटे उनको बुला करके लेके आए हैं उनको खाना खिला रहे हैं इधर बिठा करके इस तरीके से जब हम लोग प्रसाद को वितरित करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मन को शांति मिलती है और जब भी कभी मन दुखी हो ना तो आप लोग भी इस तरीके से ही कीजिएगा क्योंकि इस तरीके से आ, ऐसे तो हम लोग बहुत धर्म पुण्य कर देते हैं बट इस तरीके से करने की बात अलग होती है हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज के लिए बस इतना ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय